Hello students, today we are going to study about English Grammar Standard 5 Lesson Number 3 which is the subject and predicate. तो बच्चों the subject and predicate के मैंने पहले आपको दो videos आपको मिले हैं. तो पहले video में उसकी definition, उसके बारे में subject and predicate के बारे में समझाया था. दूसरे video में exercise ली थी, उसमें दो questions समझाए थे, जिसमें एक था subject predicate को identify करना और दूसरे में था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मैच करके सुटेबल सेंटेंस बनाना था. तो यहाँ पे और दो क्वेश्चन, वही एक्सरसाइज कंटिन्यू है और उसके अलावा दो क्वेश्चन दिए गए हैं. पहला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग सुटेबल सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे कुछ चार ब्लैंक्स दी गई है, तो यहाँ पे हमें जहाँ ब्लैंक्स है वहाँ पे सुटेबल सब्जेक्ट एड करके जो इस प्रेडिकेट के साथ सुटेबल हो उस सब्जेक्ट को एड करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो पहला है डेस वर्क्स इन एन ऑफिस, ऑफिस में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, माय फादर है, माय मदर है, माय ब्रदर है, माय फ्रेंड है, लेकिन इससे सुटेबल होना चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माय फादर. आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ माय फादर ही लेना है, लेकिन इससे सुटेबल होना चाहिए. माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस. टू, दे शाइन इन द स्काई. तो ये तो बच्चों आपको पता ही है, स्काई में क्या साइन करता है, साइन यानी कि चमकना. तो द स्टार्स, द स्टार्स शाइन इन द स्काई. थ्री, दे शाइन इन द स्कूल. स्कूल में कौन होते हैं, बच्चे. तो यहाँ पे क्या आएगा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर इन स्कूल. फोर, डेस इज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज. तो टॉयज के साथ कौन खेलता है, बच्चे ही खेलते हैं. लेकिन बच्चों यहाँ पे इज दिया है और इट्स दिया है. इट, ये जो है इट्स और इज, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इज है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा. और यहाँ पे इट्स दिया है तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हिम या सॉरी इज या हर नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे द गर्ल या द बॉय ऐसा हमें नहीं लिखना है. हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, द बेबी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट्स दिया है. अगर द बॉय या द गर्ल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे या तो हीज आना चाहिए या तो फिर हर आना चाहिए. तो ये तो जो यहाँ पे इज और इट्स है, ये जो दो पॉइंट्स है, ये हमें खास कंसिडर करने हैं. द बेबी इज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज. बेबी के साथ हम, क्योंकि बेबी का जो जेंडर है वो हमें पता नहीं है, गर्ल है या बॉय है, इसीलिए उसका जो प्रोनाउन है वो हमने इट यूज किया है. तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे द बेबी ही लिखना है. द बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज. तो ये हुआ सुटेबल सब्जेक्ट एड करना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेडिकेट्स. तो यहाँ पे बच्चों हमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो इस सब्जेक्ट से सुटेबल जो प्रेडिकेट है वो एड करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है. यहाँ पे सब्जेक्ट एड करना था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रेडिकेट एड करना है. तो पहला है माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ प्रेडिकेट, कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स ऐसे एड करने हैं जिसकी मदद से पूरा सेंटेंस बने. तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड एड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर वॉक्स इन द गार्डन, या माई ग्रैंड फादर वॉक्स यूजिंग अ वॉकिंग स्टिक इन द गार्डन. तो हम इस तरह से जो भी सेंटेंसेस को सुटेबल हो, जो भी वर्सेस से सुटेबल हो, वो एड करके पूरा सेंटेंस बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई ग्रैंड फादर वॉक्स यूजिंग अ वॉकिंग स्टिक, यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो वॉकिंग स्टिक की मदद से चलते हैं. फिर टू, मनीष एंड रवि. तो ये वो है मनीष एंड रवि, तो इसके साथ भी हम कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं. आर क्लेवर बॉयज, आर स्मार्ट बॉयज, या तो फिर आर बेस्ट फ्रेंड्स. मनीष एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स,
बेबी के बारे में बोलना है, द बेबी इज वेरी स्मार्ट, द बेबी इज वेरी एक्टिव, ऐसे हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सुटेबल हो वैसा द बेबी इज वेरी एक्टिव। देन यहाँ पे फुल स्टॉप करना मत भूलना। फोर, सम बॉयज, कुछ लड़के, तो उसके बारे में भी हम कोई भी वर्ड यूज करके सुटेबल सेंटेंस बना सकते। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सम बॉयज आर वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। उसके बाद फाइव, द बुक, द बुक, तो हम बुक के बारे में भी कुछ भी कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, लाइक द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, या तो फिर उसके पेज कवर के बारे में भी हम बोल सकते हैं, यानी कि द बुक हैज, द बुक हैज अ रेड कवर, एक रेड कवर की बुक है। देन लास्ट, लता मंगेशकर, तो बच्चों सभी लता मंगेशकर को तो जानते ही है, वो क्या है, एक सिंगर है और बहुत ही ग्रेट सिंगर है, तो उसी हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे, लता मंगेशकर इज अ ग्रेट सिंगर। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में वन टाइम में पूरी एक्सरसाइज करनी है। और देखो बच्चों ये जो वाला सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आप पहले जो है थर्ड वाला क्वेश्चन है सुटेबल सब्जेक्ट एड करने का, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट इसमें एड कर सकते हैं, और प्रिडिकेट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हम अपने हिसाब से प्रिडिकेट जो अदर वर्ड्स है जो प्रिडिकेट है वो एड करके